भारत एक ऐसा देश है जिसकी ख्याति यानी शोहरत पूरी दुनिया में एक ऐसे मुल्क की तरह मानी जाती है जहां की सरजमीन अपनी अनेकता में एकता के लिए मशहूर है, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। हमारी इस पावन धरती ने ऐसे अनगिनत लोगों को जन्म दिया जो वास्तविक रूप में धरती पुत्र कहलाने के लायक है। रियासत अवध के शहर बाराबंकी में भी 1819 को एक ऐसे ही शख्स ने जन्म लिया जिसका पूरा जीवन पर्याय है भारतीयता का, जिसकी शख्सियत में नानक, कबीर, बुले शाह की इंसानियत का पैगाम भी है। बात हम कर रहे हैं सैयद वारिस अली शाह की, जिनका जन्म बाराबंकी के कस्बे देवा में हुआ था, जिसे हम देवा शरीफ कहते हैं, और यही देवा शरीफ कहना इस बुजुर्ग की अजमत को दर्शाता है। बचपन में मिठन मियां कहे जाने वाले इस पीर फकीर को यहाँ के लोग हाजी साहब, वारिस पापा जैसे अनगिनत नामों से पुकारते हैं, और पुकारने वालों का धर्म भी वही होता है जिसकी सदा इस बुजुर्ग ने लगाई थी, इंसानियत। आज की इस 21वीं सदी में भी देवा शरीफ में आने वाले जायरीन यानी श्रद्धालु अपने लबों पर एक ही सदा लेकर आते हैं, वो है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हो। बाबा की रूहानियत, उनके पैगाम की गर्मी यहाँ के कव्वालों की तानों में भी सुनाई देती है। न सिर्फ सुनाई देती है बल्कि उनकी आवाज़ की गूंज पर चढ़ा हुआ इंसानियत का रंग मेले की भीड़ में शामिल हर अकीदतमंद के चेहरे पर एक लालिमा लिए नजर आता है। यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं जी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, नसरानी, पंजाबी, यानी हर कौम आते हैं, हर कौम मिल्लत और हर मजहब के लोग आते हैं जी। सब इनको मानते हैं और इनकी मान्यता देते हैं कि ये, क्योंकि इनका नाम हाजी वारिस अली शाह आलल्लाह मुकाम हो, हाँ, और दूसरा इनका तखल्लुक आलम पना है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या दाना, क्या दबंगर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, मशरक मगरब, जुनूब शुमाल, हर सिम से खींचे चले आने वाले अकीदतमंदों का मजमा फिजा में एक पुरकैफ सी रूहानियत को घोल देता है। अब वो चाहे पंडाल में होने वाले रोजाना के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या फिर मेले के दफ्तर से बाबा की दरगाह तक चादर लेकर जाने का ट्रेडिशन हो, हर जगह आपको एक बात साफ साफ नजर आएगी, वहदानियत यानी एकता। वहाँ पर एक दिन दरगाह में चलती हुई कव्वाली में भी साथ में आवाज़ लगा करके हमने अपनी आवाज़ लगा के अपने हिसाब से मैंने हाजिरी दी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ के लिए बुलावा आया, मेरे ख्याल में 8 बरस पहले, 9 बरस पहले, और वो दिन है आज का दिन है कि हर साल बुलाते हैं। तो देर से बुलावा आया लेकिन हर साल बुलाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि कुछ आपको अनुभव होता है, वो सबसे बड़ी बात यही है कि बिना किसी की मर्जी के नहीं होता। जब मैं बहुत चाहती थी तब नहीं हुआ, और अब उनकी मर्जी है तो हर बार बुला। देवा शरीफ के सालाना मेले में चारों तरफ महक होती है, हलवे की, पराठे की, खाजे की मिठास भी श्रद्धालुओं के लब पर मिलती है। करतब दिखाने वालों से लेकर झूलों पर झूलते लोगों के झूमते चेहरों पर मोहब्बत का नूर भारत का वो मानचित्र यहाँ के वातावरण में बनाता है जिसको हम सब ने आज भी अपनी वाणी, हृदय और मस्तिष्क के पटल पर अंकित कर रखा है। आइए कुछ देर के लिए आपको हम इंसानों के हुजूम से बाहर लेकर चलते हैं, वहाँ जहाँ चारों तरफ जानवर ही जानवर हैं। ये बाजार भी यहाँ की रवायत का एक हिस्सा है, हजारों लाखों की तादाद में जानवरों के व्यापार से जुड़े लोग इस मेले में आते हैं। घोड़ों की खरीद फरोख्त का मंजर भी देवा की एक अनोखी देन है। घोड़ों को लाने वाले व्यापारी इन जानवरों के व्यापारियों से कहीं ऊपर उठकर ऐसे इंसान होते हैं जिनके लिए उनके पालतू जानवर बच्चों से कम नहीं होते। अपने मवेशियों की खिदमत ये लोग जिस अंदाज से करते हैं, वहाँ ये लोग हमें व्यापारियों से कहीं ऊपर उठकर इंसान दिखाई देते हैं। दो घोड़े हमारे पास ऑलरेडी हैं हमारे फार्म के ऊपर, और इस साल एक नुकरी बछेड़ी अच्छी लेना
चाह रहे हैं तो उसी के सिलसिले में आए हुए हैं। हमारे आम के बागात हैं और एग्रीकल्चर फार्म है हमारा, मगर हम शौकिया अपने खुद के राइडिंग के लिए रखते हैं घोड़े घोड़ियाँ। यार वैसे तो मारवाड़ी का सबसे अच्छा रिस्पांस भी होता है और काफ़ी काम होते हैं, इस वजह से अभी तक तो उसी का है कि मारवाड़ी लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में 10 दिन तक चलने वाले इस अकीदत के मेले के बारे में बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हाजी वारिस अली शाह के वालिद सैयद कुर्बान अली शाह की याद में लगभग 1.5 सदी पहले इस मेले की बुनियाद रखी गई थी। देवे शरीफ के मेले का आज 150 साल के तवील अरसे के बाद भी सिर्फ एक ही पैगाम है, दौर भले ही बदल जाए मगर इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, जज्बा, अकीदत, रूहानियत और इन जैसी कैफियत का गहवारा आज भी इंसान का दिल ही है। 21वीं सदी के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जहां इंसान चिप टेक्नोलॉजी के गीत गाता तरक्की की मंजिलें तय करता चला जा रहा है, वहीं वो आज भी अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए दाता के दरबार का भिखारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि मशीनों से आज भी ऊपर है इंसान, उसका दिलो दिमाग। यही दुनिया है, यही देवा है, यही इंसानियत है और यही इंसान है और यही है हिंदुस्तान।